ड्राइवर भाई बहुत से भाई रोड पे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए 20 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा सहायता की जाए। और जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, दिखना हो जाए, उनके हाथ पे टूट जाते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार द्वारा 10 लाख का प्रदान किया जाए। 10 लाख रुपए जिसके हाथ पैर टूट जाते हैं, जो ड्राइवर होते हैं जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाए। और जैसे हमारे ड्राइवर भाइयों के जैसे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ऐसे ही हमारे ड्राइवर समाज के लिए आवास योजना हो, और ड्राइवर को भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेडिसिन सुविधा सरकार द्वारा हो। और जैसे हमारे ड्राइवर भाइयों को ऑन ड्यूटी प्रताड़ित किया जाता है, ऑन ड्यूटी सरकारी अधिकारी हमारे ड्राइवरों को ऑन ड्यूटी प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन के तहत, ये चीज बंद हो। नुक्कड़ पे, कोने पे, हर टोल पर हमारे ड्राइवर भाइयों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इस चीज को रोकना है हमें, और आप प्लीज हमारी मदद करें, सरकार तक हमारी आवाजों को पहुंचाने में हमारी ड्राइवर भाइयों की मदद करें, क्योंकि मैं भी एक ट्रक ड्राइवर की बेटी हूं। जिस मुश्किलात का सामना मैंने किया है, मेरे फादर ने किया है, मुझे लगता है कि मेरे सारे ड्राइवर भाई यहां मौजूद हैं, इनकी फैमिली भी ऐसे ही मुश्किलात का सामना करती होगी। और जैसे भी हमारा जो डीजल पेट्रोल को भी GST के साथ जोड़ा जाए, और ओला ओवर एयरबैग्स कंपनी के सरकारी अधीन के मुताबिक संचालक किया जाए, चालक को 20 लाख रुपए का मैच्योरिटी बीमा दिया जाए, हमारी ये मांगे हैं, और चालक को 10 लाख का एक्सीडेंट बीमा क्लेम दिया जाए। चालक के हित के लिए सरकार के द्वारा हर वर्ष नई योजना बनाई जाए, चालक को मान सम्मान मिले, और हम सब कॉमन पॉलिसी में बने। ड्राइवर भाइयों को मान सम्मान नहीं दिया जाता, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी आकर रैप्टा मार जाता है, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। हर ड्राइवर आदमी अब जाग चुका है, ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है और अब जाग चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे, चालक आवास योजना जैसी चीजें चालू हो देश के अंदर, ये भी हमारी एक मांग है, और चालक के हित के लिए सरकार के द्वारा हर वर्ष नई योजना बनाई जाए। हमारे ड्राइवर भाइयों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, और बहुत कम सैलरी में 30 के 30 दिन पूरी ड्यूटी करवाई जाती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन मांगों को हम मद्देनजर रखते हुए अपने मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। पूरे भारत में रिश्वत जैसी हेल्पलाइन फोन नंबर तथा व्हाट्सएप की सुविधा चालू हो, जैसे 112-100 नंबर पे हम लोग फोन करके पुलिस आ जाती है फौरन, तो ड्राइवर भाइयों के लिए भी एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर चालू की जाए। ये मेरी नितिन गडकरी जी से मेरी अपील है, हाथ जोड़कर, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रजिया।